नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। मेरे पीछे जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है और ये फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। और पिछले 15 साल से इस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ नाथूसरी चोपटा जो कि सिरसा ज़िला का एक कस्बा है और वहाँ पर पिछले 15 साल से एक युवा है, एक मिथुन चक्रवर्ती का इतना एक भगत है कि जो पिछले 15 साल से उनका जन्मदिन जो है वो हर साल 16 जून को मना रहा है। तो ये क्या कुछ इनकी मंशा है, किस तरह से ये इनके जो इतना एक इनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वजह थी, ऐसा कौन सी इनके दिमाग में ऐसी बात क्लिक की कि जिसकी वजह से इन्होंने 15 साल से वो लगातार जन्मदिन मना रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि क्या उनकी कभी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई है, उनकी क्या ख्वाहिश है, ये तमाम जो जानकारी है वो उनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्र है सर जी, वैसे मेरे को मिथुन से नाम से जानते हैं। आज जो ये जन्मदिन मनाया है, क्या मकसद था, कब से ये मना रहे हैं? ये मेरे को जी लगभग 15 या 16 साल से मना रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बचपन से ही मैं इनका फ़ैन हूँ। अब मेरे को 15 या 16 साल मनाते हैं, लगभग जन्मदिन हो गया। अच्छा, आज का क्या और प्रोग्राम इसके साथ, किस तरह का क्या कुछ प्रोग्राम किया? आज का प्रोग्राम ये किया था, लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से, मतलब गरीब आदमी उनको कुछ खाना दिया जाए और पैसे जो हम पटाखों में उसमें यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, मतलब सोचा भी गरीब को खाना खिला दें वो बढ़िया होता है। तो अब ये जो जन्मदिन है वो 15 साल पहले मन में आया, तो किस तरह से इतने आपके मन में कैसे आया, किस चीज़ को, कौन सी फिल्म को देखने के बाद आप उनके जो फैन बने? जी, इनकी फिल्म देखते हैं मैंने प्यार झुकता नहीं स्टार्टिंग के अंदर, जो मैं बचपन में मतलब छोटा था उस टाइम, कोई 8-9 साल की टाइम उम्र थी, 7 या 8 साल की, 7-8 साल की उम्र थी उसके, जो बचपन में हम देखा करते थे शक्तिमान हो या जैसे चंद्रकांत हुई, जैसे नाटक देखा करते थे उस टाइम में, जो दीतोरा का दिन था तो हमने सोचा लो आज कुछ और देखा जाए, टाइम अपने पास बहुत है, पापा जी घर पे नहीं है, तो हमने वो देखा, जो उस हिसाब से हमने सोचा, तो उनकी ये फिल्म चल रही थी उस टाइम ही, तो दादा की फिल्म बहुत चलती थी, तो उसके मतलब हिसाब से मैंने उनकी जो फिल्में देखी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसके बाद से मैं उनका फैन हूँ। तो कभी बात हुई है, कभी मिलने का सहयोग बैठा है, क्या कुछ कहना है? नहीं, मिला तो कभी नहीं जी, वैसे बात तो हुई थी एक दो बार, उन्हें बुलाया भी था पर मैं गया नहीं, उस टाइम जा नहीं सका था। कब, कैसे बात हुई थी? जब मैं 2004 की बात थी, 2004 के अंदर, तो उस टाइम मेरे पास मतलब जो पैसे नहीं थे, जन्मदिन मना नहीं सकता था मैं, तो फिर 2008 के अंदर मेरे मिथुन दादा से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था अभी आ मेरे पास आओ, हम आपको काम देंगे। फिर मैं उस टाइम मतलब मेरी उम्र पूरी नहीं थी, उस टाइम मैं जा नहीं सका, मेरे पहचान पता नहीं बन सकता, उम्र मेरी उस टाइम 15 या 16 साल की उम्र थी, इस वजह से मैं जा नहीं सका। तो उसके बाद अभी आपकी क्या, आपकी इच्छा क्या है भविष्य में? इच्छा जी उनसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ये जन्मदिन इसी तरह ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर बता दें कि सुखराम है जो कि नाथूसरी कला गांव का ये शख्स है और पिछले 15 साल से वो मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन मना रहा है और इस वजह से जो पूरे एरिया के जो लोग हैं वो इसको मिथुन के नाम से ही जानना इनको शुरू कर चुके हैं, जानते हैं मिथुन के नाम से ही। तो इस तरह से एक इतना फैन जो मिथुन चक्रवर्ती का है और इसकी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है वो ये है कि इसको मिथुन चक्रवर्ती से एक बार मिलना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये जो व्यक्ति जो पिछले 15 साल से उनका जन्मदिन मना रहा है, तो ऐसे में उनकी अभिलाषा को, इच्छा को पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है ये मिथुन चक्रवर्ती तक पहुँचे और वो अपने इस फैन को, अपने इस फॉलोअर को ज़रूर मिले।